बहुत अहम बात, एंगुलर मोमेंट आखिर होता क्या है? देखो क्रॉस प्रोडक्ट की मोमेंट आर मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम। अब हमको ये बात भी तो पता है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हटती है साइन थीटा आता है, आर बी साइन थीटा। अब ये पी तो खुद लीनियर मोमेंटम है जो कि एम वी के बराबर है, तो भाई हम लिख सकते हैं आर एम वी साइन थीटा। सो भाई अगर न्यूमेरिकल इस पे आएगा तो क्या क्या चाहिए होगा आपको? आर एम वी और थीटा। अब देखो एक बड़ी अहम बात, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंट, यानी टॉर्क की रिश्तेदारी है एंगुलर मोमेंटम से। कैसे? कि रेट ऑफ चेंज, बायो वाले इस बात को अच्छी तरह समझो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे निशान होता है वैसे ही ये डेरिवेटिव का निशान होता है, और डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट नंबर का लोगे ठीक है तो वो क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, कंजर्व होने का मतलब यहाँ पर बात यही हो रही है कॉन्स्टेंट है, तो भाई कांस्टेंट चीज़ का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? ज़ीरो, टॉर्क ज़ीरो हो जाएगी, और टॉर्क ज़ीरो होना सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फोर्स ज़ीरो होना फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, और टॉर्क ज़ीरो होना सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो भाई टॉर्क बेसिकली क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बहुत अहम एमसीक्यूज है, इफ़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व द टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज, ये एम सी क्यूज हर साल आती है, ज़ीरो होती है जी। और सिस्टम कैसे होगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। वैसे इस तरह के न्यूमेरिकल भी आएंगे कि आपको दे देते हैं एंगुलर मोमेंटम 720 टाइम 2 सेकेंड और टॉर्क पूछ रहे हैं, तो कैसे आ जाएगी? एल को क्या करोगे? टी से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा।